आज हमारे घर में एक कितना बड़ा जोक हुआ है, 3 दिन से चल रहा है ये सब, है ना? है ना? ये तो हमारा साहब हमारा जो टीवी है ना, ये चल नहीं रहा था कितने दिन से, 3 दिन से परसों साहब से हैंग हो गया था। ठीक नहीं, मैं कृष्णा देखने आया तो एकदम से हैंग हो गया, वो चल ही नहीं रहा था मेरे मोबाइल चल में। नहीं रहा था, और हम लोग सोच रहे थे अरे यार 2 साल हुए, टीवी खराब हो गया, क्या करें, नया एलईडी लिया था, ये खराब हो गया, जल क्यों नहीं रहा, और निकला क्या, खोदा पार निकली निकली सुई चुई। निकला क्या, ये ये सेल देखो फैंसी ये देखो, और सुन, सेल नहीं और एकदम। सबसे बड़ी बात तो ये जो इस सेल है ना, ये वाले जो सेल है, ये हमें पता ही नहीं चला कि इसकी वजह से टीवी नहीं चल रहा। कब पता चला? वो एक्चुअली आज ऑफिस में डिस्कशन किया मैंने इसके बारे में कि यार 2 साल हो गए टीवी को लिया और वो हैंग सा हो गया। तो मैंने दोस्तों को बताया कि ऐसे ऐसे यार ऐप्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो मेरे किसी ने कहा कि रिमोट में प्रॉब्लम हो गई। फिर तो आज फिर मेरे दिमाग में आया, मैं इसको देखता हूँ तो खोल के देखा, समझ में नहीं आया सेल कहाँ से है। तो फिर लंबा वो तो फिर ऐसे करके खुल गया। फिर एसी के निकाल गया, एसी की जरूरत है नहीं, एसी में सेल निकाले जाते हैं क्योंकि प्रॉब्लम होगी ना फिर सेल वीक हो जाता है उसके अंदर। तो मैंने अब इसको यूज करके देखा तो चल गया। मैंने कहा यार इसीलिए कह रहा है खोदा पहाड़ निकली चुकी है, इस सोचा बुलाना सुनो, पड़ेगा। वो तो भगवान की दया से सही है, सही टाइम पे सरस्वती माता की बुद्धि माँ के बैठ गई। जो आपने इसके बारे में ऑफिस में जाके डिस्कस किया, पे काफी टाइम से मेरी जो सिलाई मशीन थी ये खराब पड़ी हुई थी, तो इसकी वजह से ना काफी कपड़े मेरे ऐसे हैं जिनकी सिलाई निकली हुई है। बच्चों के भी कपड़े हैं, मेरे खुद के भी कपड़े हैं, और वो सारे कपड़े जब घर में सिलाई होती है ना, जब मर्जी, सॉरी सिलाई नहीं, सिलाई मशीन होती है ना, जब मर्जी लेके बैठ जाओ और अपने कामों को कर लो। लेकिन काफ़ी टाइम से ख़राब थी, मुझे कोई नज़र भी नहीं आया। आज संडे भी था, इस संडे का ब्लॉग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ी तबीयत सी डाउन हो गई थी तो इस वजह से मैं अपना ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। शूट करके तो रख लिया था, गला भी ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा कोल्ड भी हो गया था, तो आवाज़ ठीक नहीं थी इसलिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम ठीक होंगे। आज संडे है और आज संडे को हम लोग जाने वाले थे परिक्रमा लगाने के लिए, लेकिन अचानक से विशेष के पापा की तबीयत खराब हो गई। मतलब कई दिन से तबीयत खराब है, कोल्ड वगैरह हो रखा है, लेकिन ये कह रहे थे मेरी हिम्मत नहीं हो रही परिक्रमा लगाने की, पता चले और ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए। फिर मैंने आज का प्रोग्राम अभी कैंसिल कर दिया है। अब देखते हैं किस दिन जाते हैं, भगवान जी कब बुलाते हैं। और फिलहाल मैं हूँ किचन में, किचन में थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। सब्जी तो मैंने बना ली थी, आज मैंने बनाई है मसूर की छिलके वाली दाल, और उसके साथ में मैं रोटियाँ बना रही हूँ। मैंने खाई थी खिचड़ी, क्योंकि नाइट में मैंने खिचड़ी बनाई थी तो थोड़ी सी बची हुई थी, तो मैंने उसी को गर्म करके खा लिया है। और तो सारे काम हो ही गए। अपनी सिलाई मशीन ठीक कराने के बाद अभी मैं गैस चूल्हा भी ठीक करा रही हूँ। मेरा गैस चूल्हा भी नया है, ज़्यादा पुराना नहीं है, जब हम लोग शिफ्ट हुए थे ना उसी समय पे हमने लिया था। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, पता है क्या है, एक इसकी जो मतलब लो है ना वो तेज़ नहीं है, बहुत ही कम कम धीमी धीमी जलती है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब मैं रोटी बनाती हूँ तो मतलब तवे पे रोटी भी ठीक से नहीं पच पाती। दूसरा ये है वो सिक भी नहीं पाती ठीक से, कहीं से जल जाती है, कहीं से मतलब ठीक सिक जाती है। तो ये इसमें प्रॉब्लम थी, तो ये बोल रहे थे कि ये ना तुमने इसकी ना सर्विस नहीं कराई, और सर्विस करानी चाहिए थी। मैं सच बताऊँ मैं तो सर्विस कराती नहीं गैस चूल्हे की, और चिमनी की भी हमने नहीं कराई, हम खुद से ही साफ़ कर लेते हैं चिमनी भी, और गैस चूल्हा भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है वो तो हम खुद से ही कर लेते हैं। लेकिन जब मुझे लगा कि चलो एक बार चेक करा ही लेती हूँ, तो इन्होंने खोल के काफ़ी अच्छे से इसे ठीक किया, और इन्होंने फिर मुझे कुछ समझाया भी था कि इसको तुम्हें कब सर्विस करानी सर्विस चाहिए। नहीं कराते? हाँ ना आपने मशीन की सर्विस कराई है हाँ ना आपने चूल्हे की सर्विस कराई है। अच्छा, चूल्हे की कितने दिन में करानी चाहिए? 6 महीने में एक बार करा लो। अच्छा, वही जरूरी होता है ना? जी, अंदर कचरा वो जाता है, हाँ ग्रीसिंग होती है इसकी, ग्रीसिंग। अच्छा, क्योंकि मैंने खाई भी नहीं रोटी, मतलब बहुत हो जाने का। नहीं मैंने रोटी नहीं खाई ना, इसलिए मुझे पता नहीं कि मैंने खिचड़ी खाई थी नाइट वाली, इसलिए। अब सुधार लग रहा थोड़ा तबीयत में? आपकी वजह से परिक्रमा का प्रोग्राम कैंसिल हो गया आज, अब किसी और दिन बनाएंगे। ठीक है, जब लगेगा ना कि बिल्कुल फिट हो तभी जाना चाहिए, बीमार होकर थोड़ी आना है, पहले तो बॉडी देखनी अपनी। नहीं क्या विशेष से बात करने को बोल रहे? और अभी जो टाइम हुआ है 4:45 बजे हैं, 4:45 बजे हमारे जॉर्ज का स्नैक्स टाइम हो गया है, जो जॉर्ज को खिलाया है हमने, मैंने केला दे दिया इसको, और ये आज का फैशन है, ऊपर इनको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, जैकेट पहनी हुई है, नीचे कैबरी। एक्चुअली आज चेस्ट बाहर में ठंड है, सही बात है, है आज पहली बार महसूस हो रहा है कितनी ठंड है। आज मुझे भी हो रहा है, एकदम ऐसा हो रहा है, हवा भी चल रही है। और ठंडे ठंडे मौसम को देखते हुए आज हम थोड़े से लेट हो गए चाय के लिए, लेकिन कोई नहीं, घर पे रहते हैं ना सारे लोग, आज वैसे भी संडे है,
तो कौन सा किसी को कहीं पे जाना है, सारे लोगों को घर पे रहना, तो इसलिए चाय मैंने आज थोड़ी सी लेट बनाई। तो इसीलिए ना मैंने भी फुल स्लीव्स की पहनी थी, तो मुझे पता है ना मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है। हाँ आप तो अंतर्यामी हो, सुबह से पहन रखी है, मौसम ठंडा हुआ है। नहीं मैं कह रही मैंने निकाल ली फुल स्लीव्स के लिए, तो मैं हाफ स्लीव्स की पहनी अभी तक मैंने, लेकिन आज पहली बार पहनी है या फिर कल पहनी थी, और आज मुझे लग रहा है कि जो हल्के गर्म कपड़े हैं ना वो भी निकाल के पहनने पड़ेंगे। आप वैसे छुई हुई हो, आज मैंने आपकी वजह से मीठी चाय बनाई है। थैंक यू, हल्की मीठी। और वैसे ही आपकी तबीयत जल्दी खराब होती है क्योंकि आप छुई हुई हो, छुई हुई का पौधा होता है ना। मैं दवाई खाना ऊब चुकी हूँ और मैं कोई भी दवाई नहीं खाना चाहती, सच बताइए, और अब मैं भगवान की दया से ठीक हूँ। आपके वेट लूज का, आप वेट लूज कैसे कर रहे हुआ हाँ लग रहा है। पहले मेरी टमी बहुत ज्यादा भार लगी हुई थी, काफी ज्यादा, अभी भी है हल्की, इतना नहीं है, लेकिन अब इतना तो मुझे लग रहा है रहेगा ही मेरा। ये आपको एक चीज दिखाओ ना, मत दिखाओ, आप खोलिए अपनी व्यूअर्स को। ये देखिए ये क्या है, ये है मेरी जादू जादुई छड़ी जिसने मुझे ठीक किया है। ये वही दवाई है जो होम्योपैथिक दवाई है जो मेरे मुंह छाले हो रखे थे ना उसकी, तो ये तो वो है जो मतलब मेरे को कुछ भी नहीं होती है, कुछ टाइम पहले बहुत ज्यादा स्किन प्रॉब्लम हो गई। मैं क्यों लड़ रहा है, किससे लड़ रहा है, मेरा बहुत ज्यादा हो गई थी, तो फिर मैं सोच रही ना डॉक्टर से एक बार बात कर लूं, क्योंकि अब वो तो है नहीं, जो स्किन प्रॉब्लम हो गई थी ना थोड़ी, फिर वो तो है नहीं, लेकिन वो कह रहा था दोनों चीजों पे काम करेगी, और ये मैंने बीच में छोड़ दी थी, इसमें थोड़ी सी है, ये सिर्फ उसके लिए मुंह के लिए, तो सोची से बंद करके मैं इसी को लेना शुरू करूं। बिल्कुल, और क्या है ना, वो ठीक है तब क्या प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम तो है ही नहीं, लेकिन उसने डॉक्टर ने बोला था दोनों में काम करेगी, आप ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकते हो, उसने बोला दोनों के लिए काम करेगी। तो यही ये बिल्कुल भी इसका जो होता है ना एक दवाई होती है, जैसे इंग्लिश दवाई हम लोग खाते हैं, तो इंग्लिश दवाई का क्या होता है, हम लोगों को ना मन भर जाता है, मन नहीं भरता, मतलब खा करके ना एकदम मतलब उनका जो स्वाद होता है ना वो बदल जाता है, कड़वा कड़वा खाने का मन ही नहीं करता, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में ऐसी दवाई खाई है होम्योपैथिक, एकदम पानी जैसा है, इसमें कोई भी स्वाद नहीं लगेगा कि पानी ही है, पानी में पी रही हूँ, बस इसका एक ढक्कन लेके इस तरीके से उन्होंने बताया है 10 बार ऐसे करो ऐसे, और एक कप पानी करना डालो, मिक्स करो, पी लो, 3 टाइम के लिए बताया था, मैंने 3 टाइम में आज तक ली नहीं, मैं सिर्फ 2 टाइम ही ले पाती हूँ, या कभी कभी मैं एक ही टाइम ले पाती हूँ, और मैं ऐसा कर रही हूँ, लेकिन मुझे काफी वो इसलिए ना आप एक टाइम क्यों ले पाते हो, डॉक्टर ने 3 टाइम बोला है क्योंकि आप बिजी रहते हो, अभी तबीयत खराब होगी तो आप 3 बार क्या 4 बार भी लोग ध्यान रखोगे, कारण ये है। बीमार होता है आदमी को ध्यान रहता है, और चने इतने सारे के रखने डब्बे, ये चने किस लिए रखे डब्बे, ये देखिए दोस्तों आपको मैं बता देती हूँ, ये भी फिट रहने की बहुत ही अच्छी रेमेडी है, अगर आप फिट रहना चाहते हो, अपना वेट लॉस करना चाहते हो, जब आपको भूख लगे ना दिन में एक टाइम ये करना शुरू करो, एक मुट्ठी लो और खा लो, मुट्ठी खा लो, एक एक बाउल में लेके चने खा लो, तो इससे आपकी जो भूख है ना कुछ टाइम के लिए शांत हो जाती है, और वेट लॉस करने के लिए काफी हेल्प करता है भुने हुए चने। मैंने 2 डिब्बे मतलब 1 किलो मंगाए थे, आधे खत्म हो चुके हैं, एक ही बचे हुए, और इनको इसलिए मैं सामने रख रही हूँ निकाल के, जिससे ना ये नजर के सामने रहे, हम लोग खाते रहे, मैं तो नहीं रखती सामने, उन्होंने कहकर रखवाए, क्योंकि जिससे दिखाई देते रहे खाते रहे। तो चलिए बातें हो गई बहुत ज्यादा, मेरी चाय हो चुकी है एकदम से कड़क, आज मुझे पहली बार इस सीजन में लग रहा है कि जैसे कि कोहरा नहीं होता, धुंध सी छाई रहती है, वो चीज़ आज मुझे लग रही है ना, मौसम जो है ना मौसम ठंडा हुआ है, हाँ। ऐसा लग रहा है बरसात जा सकती है, और धूप नहीं निकली आज, धुंध बहुत छाई है, ये पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन सही बात है, दिल्ली के अंदर तो 600 वो हो चुका है, आईक्यू जो होता है क्या बोलते हैं, और हरियाणा में तो जो है कॉलेज स्कूल ही बंद कर दिया 5 तक के, दिल्ली में मेरे ख्याल से टाइमिंग चेंज करिए, पता नहीं नर्सरी क्लासेस की मतलब वो क्लास लग रही है। चाय का भी एक अजीब नशा है, अगर ये चाय ना मिले पीने को तो समझो पूरा दिन खराब, नहीं आपके लिए होगा मेरे लिए नहीं है, आप तो उठते के साथ ही और बोलते मुझे चाय दे दे, खैर सबकी आदत यही है, मेरी खुद की भी आदत यही है, ऐसा लगता है मेरी आदत नहीं है, मैं तो फ्रेश होता हूँ पहले, जब हम ब्लॉगिंग करते हैं ना हमारा जॉब पता नहीं हमको क्या समझते हैं कि क्या कर रहे हैं लोग, देखो कितना पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन कितना है, आपके पीछे भी इतना लग रहा है, देखो पॉल्यूशन है, ऐसा लग रहा है कोहरा पड़ा पड़ रहा है ना, जबकि वो चीज़ नहीं है, ये है पॉल्यूशन। दो दो चाय और ये मेरी चाय,
ठीक है, खाने के लिए बताया। चाय ना ऐसे नहीं पीनी चाहिए, चाय को कुछ खाना चाहिए। क्या खाओगे? क्या लाओगे? विशेष आएगा अभी एक घंटे बाद। नहीं, क्या कह रहा था? गाड़ी को ठीक कराना है, गाड़ी कुछ प्रॉब्लम हो गई इस कारण वो ठीक करा के तब निकल जाएगा। एक घंटे बाद, एक घंटे में पहुंच जाएगा बता रहा था। तो देखिए आज की जो ये रेमेडी है, जो ये रेसिपी है, इसे बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है आंवला। आंवला आपको लेने हैं, आंवले की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले लीजिए। आप 250 ग्राम भी ले सकते हो, आप 500 ग्राम भी ले सकते हो, और कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे लिए हैं 250 ग्राम। आपको कभी भी ऐसा लगे जैसे कि ये वाला आंवला है थोड़ा सा दगीला है, इसमें दाग है, तो इसे आप हटा दीजिए, जो दाग है ना उसको उसे कट करके निकाल दीजिए। निकालने के बाद अब आपको इन्हें अच्छे से धो लेना है। तो मैंने जो आंवला है 250 ग्राम लिए, इनको अच्छे से धो के पानी से ड्राई करके ही मैंने एक बाउल के अंदर इनको रखा है। अब आपको करना क्या है, किस तरीके से इस रेसिपी को आपको तैयार करना है। सबसे पहले आपको गैस को ऑन करना है। गैस ऑन करने के बाद आपको एक बड़े बर्तन में पानी लेना है, कम से कम दो गिलास। दो गिलास पानी लेने के बाद आपको इसे गर्म करने के लिए रख देना है। जैसे जैसे आपको लगे कि पानी हल्का हल्का गर्म होने लगा है, मतलब हमें इसकी स्टीम की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, उसके बाद आपको कोई भी ऐसी छलनी ले लेनी है। मैं अभी इसे चेंज करूंगी, लेकिन आपको बता रही हूँ कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। ये वाली जाली आपको लेनी है और इसके ऊपर आपको आंवला लेके सारे अच्छे से आपको सेट कर देने हैं, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा आंवला लिया है तो आप दो बार में करके इनको स्टीम दे सकते हो। अगर आपने मेरी तरह 250 ग्राम आंवला लिया है तो एक बार में ही स्टीम हो जाएंगे, या फिर आपके पास में कोई बड़ा जाली है, बड़ा कोई छलनी है आपके पास में बड़ा बाउल है जिसमें आप इन्हें स्टीम दे सकते हो, या स्टीमर आपके पास में है तो आप इन्हें मतलब एक साथ एक किलो भी स्टीम दे सकते हो। इतना करने के बाद अब देखिए सारे आंवला जो थे ना, मैंने इसको इसके ऊपर सेट कर दिए। सेट करने के बाद अब मैंने इनको अच्छे से कवर कर दिया, लेकिन ये कवर नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि जो आंवला है ना वो थोड़ा सा उठा हुआ भाग है उसका, और साइड से आप देख रहे हो ना यहाँ से जो इसकी स्टीम है वो निकल रही है। अगर स्टीम इसकी निकलती रहेगी तो फिर ये अच्छे से स्टीम नहीं हो पाएंगे, तो फिर इनमें ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए कि यहाँ से स्टीम निकल रही है, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने चेंज कर दिया। तो यहाँ पे इस जाली को हटाने के बाद मेरे पास में एक ऐसी छलनी टाइप में जाली थी जो आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी हुई है, और इसमें क्या ना ये नीचे की साइड ज़्यादा है इसका, तो इसमें मैंने सारे जो आंवला थे इसमें मैंने डाल दिए। डालने के बाद अब मैं इसको अच्छे से कवर कर दूंगी। अब जो इसकी स्टीम है ना वो बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि ये अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्प्लिट से ये काफ़ी अच्छे से कवर हो गए, अब स्टीम इसकी बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगी। अब मैं क्या करूँगी, इनको तब तक स्टीम करूँगी जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते, और हमें यहाँ पे इनको सॉफ्ट ही करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है स्टीम करने के लिए, और जब तक ये अच्छे से स्टीम होगी तब तक मैं आपको आगे बताती हूँ आगे आपको क्या करना है। इसे स्टीम करना इसलिए ज़रूरी होता है, एक तो ये रेमेडी जल्दी बन के तैयार हो जाती है, दूसरा ये है जो इसकी कड़वाहट होती है ना वो निकल जाती है, तो इसलिए हम इसे स्टीम करते हैं। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप इसे स्टीम करोगे ना बीच बीच में आपको क्या करना है, जो आंवला है ना इनको थोड़ा सा इनकी जो साइड है ना उसको चेंज कर देना है। ऐसा करने से ऐसा होगा कि ये चारों तरफ से अच्छे से स्टीम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार इन्हें कवर करके छोड़ दो और बस फिर आपको इन पे ध्यान ही नहीं देना है, नहीं तो जो नीचे वाली साइड होती है ना कि वही वाली ज़्यादा सॉफ्ट हो पाएगी और ऊपर से थोड़े से मतलब कच्चे रह जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, मतलब इनको पलटते हुए आपको ध्यान रखना है। तो जब तक ये अच्छे से स्टीम होते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आंवला खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, और ये रेमेडी बनाकर आपको क्या क्या इनके फ़ायदे होने वाले हैं, कितने आपको लाभ मिलने वाले हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तब तक हम क्या करेंगे, अब देखिए आपको इसे बनाना है गुड़, गुड़ के साथ में, और गुड़ हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। सर्दियों में आप देखोगे अगर आप रोजाना गुड़ खाते हो खाना खाने के बाद, तो आपका जो खाना है बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट होता है, बहुत ही जल्दी से डाइजेस्ट होता है, और ये हमारी बॉडी को गर्म करके रखता है, और सर्दी खांसी जुकाम इन सारी दिक्कतों से हमें छुटकारा दिलाता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है गुड़। गुड़ की क्वांटिटी आप अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हो कि आपका मतलब जो खाने का स्वाद है, आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है कि लाइट मीठा खाना पसंद है, उस हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर लीजिए। और गुड़ को लेकर आपको अच्छे से इसे कूट लेना है, तो मैंने इसे अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, 5 से 6 कली आपको लेनी है लहसुन की, और उसके साथ में आपको छोटा सा 1 इंच के करीबन आपको लेना है अदरक। अदरक का जो छिलका है इसे आप हटा लीजिए, लहसुन का छिलका भी आप हटा लीजिए, और आप चाहो तो इसे साबुत भी ऐसे मतलब डाल सकते हो, मतलब बड़े बड़े टुकड़े करके, या फिर आप मेरी तरह इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े इसके कर लीजिए। इस तरीके से भी आप आज की रेसिपी में इसे डाल सकते हो। तो देखिए लहसुन हमें क्यों डालना है,
लहसुन डालने से ये होगा कि इसमें ना स्मेल नहीं आएगी और ये ख़राब भी नहीं होगा। और दूसरा ये है, जो लहसुन होता है ये भी हमारी बॉडी को गर्म रखने में हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अदरक जो होती है, खांसी जुकाम जो भी दिक्कतें होती हैं सर्दियों में, इन सबसे हमें दूर बचा के रखेगा, दूर रखेगा। तो इसलिए मैंने दोनों ही चीज़ों को इसके अंदर डालना है। अब आपको क्या करना है, एक आपको लेना है फ्राई पैन। फ्राई पैन लेने के बाद, या कोई भी बर्तन ले लीजिए जिस तरीके से मैंने लिया है, इसमें एक चम्मच भर के आपको डालना है देसी घी। जब वो हल्का सा गर्म हो जाए इसमें डाल दीजिए थोड़ी सी हींग। थोड़ा सा आपको डालना है, एक चम्मच के करीबन डालनी है सौंफ, और एक चम्मच के करीबन ही आपको इसके अंदर डालनी है मेथी दाना। जो मैंने सौंफ डाली है ये रंग को क्लियर करने में हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करती है, और मुँह की जो दुर्गंध होती है उसे दूर करने में भी हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। जो मैंने इसमें डाली है हींग, वो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। जो मैंने डाला है मेथी दाना, मेथी दाना जो होता है ना ये आपको हल्का सा कड़वा लगेगा। अगर आप इसे इग्नोर करना चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, हटा दीजिए, स्किप कर दीजिए, मत डालिए। लेकिन मैं कभी भी ये चीज़ें नहीं देखती कि मुझे कड़वा लगेगा तो मैं नहीं खाऊं, नहीं। जो चीज़ें फायदेमंद होती है, चाहे कड़वी हो चाहे कैसे भी हो, मैं उसे खाती हूँ और बड़े शौक से खाती हूँ। हल्दी मैंने इसमें डाली है थोड़ा सा कलर लाने के लिए, थोड़ा सा मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर इसमें थोड़ा सा स्वाद चटपटा बनाने के लिए, और मैंने इसमें डाला है सेंधा नमक, ये भी मैंने स्वाद के लिए डाला है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देना है और इसमें डाल देना है आपको गुड़, जो आपने कूट के रखा हुआ था। अब देखिए, अगर आप चाहो तो मसालों के साथ ही आप अदरक और जो आपने लिया था लहसुन उसको डाल सकते हो, उसमें हल्का सा भून सकते हो। अगर आप उन्हें अभी नहीं डालना चाहते तो आप इसमें गुड़ डाल दीजिए। पहले गुड़ डालने के बाद इसे धीमी आंच पे आपको पकाना है। जब आपको लगे कि गुड़ पूरी तरीके से मेल्ट हो गया है अच्छे से, और उसके बाद आपको गैस को कर देना है बंद। जब इसमें लगे कि बबल्स आना शुरू हो गए, मतलब गुड़ आपका पक चुका है, तो यहाँ पे बंद कर दीजिए। अगर आप ज्यादा पकाओगे ना तो एकदम जम जाएगा गुड़ आपका, बहुत टाइट हो जाएगा, तो आपको ज्यादा इसे नहीं पकाना है। इतना करने के बाद अब जो आंवला है ये अच्छे से स्टीम हो चुके हैं, आंवले को आपको निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको क्या करना है, इनका जो बीज है, इनकी जो गुठली है, उनको आपको साइड में निकाल देना है, और आंवले के आपको छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। या तो आप इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, या फिर कद्दूकस में इन्हें कस लीजिए, या फिर कूट लीजिए, या फिर साबुत रखिए, ये आप जैसा मर्जी कर लीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद अब देखिए आपको करना, आपको मैं बता देती हूँ आंवला हमारी सेहत के लिए कैसे फायदेमंद होता है। देखिए, सबसे पहले बालों से लेते हैं, ये हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप रोजाना आंवला जूस अपने बालों में लगाते हो, लगा सकते हो, तो आज से ही लगाना शुरू करिए। आप देखोगे जो आपके सफ़ेद बाल हैं वो भी धीरे धीरे करके काले होने लगेंगे और वो कंट्रोल में रहेंगे। आगे टाइम से पहले आपके बाल बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं हो सकते हैं। दूसरा ये है, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें वाइट वेसी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो रंग गोरा करने में हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, और वो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसके साथ में देखिए, मेथी दाना जो मैंने इसमें डाला है ना, ये जॉइंट पेन के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर्दियों में आपकी बैक में पेन होता है, आपके जॉइंट पेन होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। साथ में आपको आपका हेयर लॉस हो रहा है उसे कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, हेयर फॉल हो रहा है उसे कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, हेयर ग्रोथ की आपकी प्रॉब्लम है, आपकी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, रुकी रहती है, तो उसे भी कंट्रोल करने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। दूसरा ये है, मैंने इसमें डाला है सौंफ। सौंफ के बारे में तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता ही दी हैं, तो इसलिए मैंने इन सारे मसालों को इसके अंदर ऐड किया है। इतना करने के बाद अब देखिए, जो गुड़ था इसको मैंने गैस बंद करके नीचे निकाल लिया, थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है। अब जो यहाँ पे आंवला था जिसका मैंने बीज निकाल के साइड में फेंक दिया है, और आंवले का जो गूदा है इसे लेकर मैंने इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद आप चाहो तो थोड़ा सा और पका सकते हो, ज़्यादा नहीं, हल्का सा नहीं पकाना तो छोड़ दीजिए। अब आपको करना क्या है, मैंने आंवला डालने के बाद इसे पकाया नहीं है, लेकिन अब इसके बाद एक काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है, जब सारी चीज़ों को आप मिला दोगे ना तो कॉटन के कपड़े से आप इसे लपेट दीजिए। उसके बाद एक दिन के लिए आप इसे धूप में जरूर रखें, उससे ये होगा कि इसमें स्मेल नहीं होगी और एक ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें स्मेल भी नहीं है, ख़राब भी नहीं होगा। और जब आपको ज़रूरत पड़े, जैसे कि आपको इसे खाना खावे, मैं आपको ये बता देती हूँ, आपको इसकी क्वांटिटी हल्की सी लेनी है, एक से दो चम्मच भर के ले लीजिए।